प्रधानमंत्री धनबाद आगमन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। सैकड़ों की संख्या में जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हुए शामिल। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च को धनबाद आगमन पर तैयारियों को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागनी सिंह के नेतृत्व में जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक झरिया कतरास मोड़ कार्यालय में की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विशेष चर्चा की गई और कार्यक्रम में झरिया विधानसभा में जनता श्रमिक संघ सह भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अधिक से अधिक करने की रूपरेखा तैयार की गई। देखिए, आज हम लोग जनता श्रमिक संघ कार्यालय, जनता श्रमिक संघ के सभी पदाधिकारीगण को लगभग 12 एरिया से एरिया सेक्रेटरी और एरिया अध्यक्ष को यहाँ बुलाया गया था। जैसे कि आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे विकास पुरुष जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, इसको लेकर पूरे धनबाद में किस तरह से तैयारी चल रही है, उस तैयारी को लेकर हम लोग आज जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठक हम लोग 2 दिन पहले रख चुके हैं और आज हमारे संगठनों द्वारा आज बैठक की गई है, ताकि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आए, इस कार्यक्रम का कैसे भव्य तरीके से और भव्य उनका स्वागत हो, इसको लेकर बैठकर हम लोग रणनीति बनाएं। और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से सभी लोग अपनी तैयारी में लोग जुट चुके हैं और उस दिन उनका भव्य स्वागत होगा, क्योंकि श्री रामलला प्रभु विराजमान होने के बाद पहली बार कोलांचल के धरती पर वो आगमन हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से पूरे कोलांचल के जनता और धनबाद की जनता लोग उत्साहित हैं और उनका भव्य स्वागत करने के लिए अभी से लोग जुट गए हैं।